हमारे साथ आज मौजूद हैं किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं अबू बकर मेमन साहब, सरपरस्त आला MCDA मलिर क्रिकेट डेवलपमेंट एसोसिएशन। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। सर, बड़ा अच्छा इवेंट आपने सजाया और माशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी आपका ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी हमेशा खिदमत करती है, स्पोर्ट्स के हवाले से भी आपकी बड़ी इकदाम हैं, क्या कहेंगे? आज एक बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट थी, एंड हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि ये जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये आपने मेला सजाया, मेरी पूरी टीम जो है ना मेरे साथ होती है। मैं तो घर पे बैठ के जो है इनसे फ़ोन वोन पे बात करके चला जाता हूँ, मगर जो सबसे अहम किरदार अदा किया MCDA की पूरी टीम ने, और ख़ास तौर पर हैदर बख्श और वसीम ने ये सारा मेला सजाया है, तो हम उनके पीछे होते हैं। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी खुशी है कि मलिर में वैसे भी नौजवानों के लिए काम करना, नौजवानों को क्रिकेट में उनको इंकरेज करना, हौसला अफजाई करना, ये हमारा एक उसूल बन चुका है और हमारा खिदमत का ये मौका रहेगा इंशाल्लाह। और जहाँ जहाँ भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं हम वहाँ पर नौजवानों के लिए खड़े हो जाते हैं, तो हमारा मकसद है कि नौजवान मलिर के जो नौजवान हैं वो इस नहीं रहें कि हमारे पास कोई वसाल नहीं है या कोई हमारे पास हौसला अफजाई के कोई हमें इंकरेज नहीं करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कोशिश है कि मलिर के जितने भी नौजवान हैं हम उनको उजागर करें, क्रिकेट खेल में मैदान में उनको पेश करें, ताकि वो अपने खेल का मुजाहरा कर सके और दिखा सके। तो मैं एक ये और ख़ास बात यह कहना चाहूँगा कि मलिर में टैलेंट की कमी नहीं है। ये मैंने आज देखा, आज आपने भी खुद देखा होगा कि किस तरह से इतना बड़ा शौक लोगों में है और मैच देखने के लिए आए टीमों का। तो मैं चाहता हूँ कि मलिर की टीम में जो है ना अब टेप टेनिस से निकल के हार्ड बॉल में आ जाएँ। तो हमारे पास वसाइल नहीं है, जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपका आपके साथ ताल्लुक है, मैंने अपने MPA और MNA को भी यही इंस्ट्रक्शन दी है कि बताया है उनको बाकायदा मुतालबात में मैंने शामिल किया है कि आप क्रिकेट के लिए अच्छा सा ग्राउंड हमें दें मलिर में, और टेप टेनिस हार्ड बॉल के लिए जो ना हमें अच्छी सी एक सहूलत मुहैया करें, ताकि हमारे नौजवान भी मलिर के जो ना अच्छी कारगरी दिखा कर सकें, ताकि वो जो ना इंटरनेशनल लेवल पर भी जो ना एक अपनी कारगरी दिखा सकें। स्पोर्ट्स के हवाले से आप क्या बात करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पोर्ट्स के हवाले से आज जो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ हैदरी स्पोर्ट्स के टीम और उसके मंसलक जितनी भी टीम थी, उसने एक आज शानदार फाइनल करवाया। मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स हमारे लिए ज़रूरी है, फिज़िकली फिटनेस के लिए ज़रूरी है। हमने MCDA के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत से इकदाम उठाए, जिसके हवाले से हम समझते हैं कि जो हमारे इस मलिर के अंदर एक वबा है जिसके लिए हम एहतियात कर रहे हैं, जो मंशियात है उस मंशियात से बचने के लिए एक वाहिद रास्ता मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स ही है, जहाँ पर आपको शाम को 3-4 घंटे मिलते हैं जिसके अंदर एक फ़िज़िकली एक्टिविटी होती है, जिसके अंदर आपको ये टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तो इस मंशा से दूर हो सकते हो। मौजूद हैं वसीम मेमन साहब, जिनकी बहुत बड़ी काविश हैं क्रिकेट के हवाले से, जिसने आज बड़ा ज़बरदस्त फाइनल ऑर्गेनाइज़ कराया। आइए उनसे कुछ पूछते हैं। जी वसीम, क्या कहेंगे, आज बड़ा ज़बरदस्त फाइनल आपने ऑर्गेनाइज़ कराया? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट चला है। इस टूर्नामेंट के अंदर तकरीबन 100 से ज़्यादा टीमों ने हिस्सा लिया और आज कामयाब फाइनल इसी ग्राउंड पर जो है ना इख्तिताम हुआ। सबकी काविशें हैं और हमारा MCDA जो इदारा है ना उनकी भी काविशें हैं।